सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज जी नूं हाजर नाजर जानदे होए विचार आरंभ करन तों पहलां रसना पवित्र करिए। दोने हाथ जोड़ के साहिबां नूं सीस झुकाउंदे होए उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दोहरा तब माली ने हम कहियो या पी भेत सुनाए। हुण भाई साहिब भाई रतन सिंह जी भंगू जदों ब्रिटिश सरकार दे मरी कप्तान नूं गुरु नानक साहिब दा इतिहास दसदे ने ते इह स्पष्ट हुंदा है कि सतगुरु गुरु नानक साहिब खुद खुदा ने, खुद रब ने, परमात्मा ने ते दुनिया दे तख्ते ते हर एक ने गुरु नानक साहिब नूं धन किया। 33 करोड़ देवते सारे, इंद्र कुमेर विष्णु शिव भारे, गण गंधर्व फरिश्ते चार, बार बार दे रहे गुंजार, धन गुरु नानक तुही निरंकार, धन बाबा नानक तुही निरंकार। ये आप नारायण कला धार जगमह परवरियो गुरु नानक साहब की वड्याई जदों सुनी ते मरी कप्तान ब्रिटिश सरकार का जो कप्तान इतिहास सुन रहा सी ਉਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਪਏ ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੇਹੋ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਚੌ ਪਏ तब मैं उसको थ्योरो दयो। हुण भाई साहिब भाई रतन सिंह भंगू कहिंदे जदों मरी कप्तान बाकी पातशाहियां बारे पुछदा ते मैं उसनूं दसण लगा, भाव के गुरु पातशाहियां दा ब्योरा दसिया है। गुरु नानक पातशाह अंगद भयो। भाई रतन सिंह भंगू जी ने दसिया के गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तों दूसरे अस्थान ते गुरु अंगद साहिब जी ने प्रगट हो करके संसार का भला किया। जोत इको सी, बस रूप बदलिया है, महला बदलिया है, जोत उही गुरु नानक वाली निरंकार वाली है। खालसा जी, भाई रतन सिंह भंगू दसदे आ कि गुरु नानक साहब ने अपने घर दे विच सेवादारा नूं मान दिता, जे कोई नमाणा हो के सेवा करे, गुरु नानक दे चरणा नूं छूवे, गुरु नानक दे चरणा नूं छू करके सतगुरु सच्चे पातशाह दी सिक्खियां नूं मन विच वसावे ते गुरु नानक साहिब महाराज ते ऐसे दयालु कृपालू ने अपने तख्त दा मालक बना दिंदे। खालसा जी, सतगुरु गुरु नानक साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी तों बाद दूसरे अस्थान ते गुरगद्दी ते तख्त ते सुभायमान होए धन गुरु अंगद साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज। जो उनकी सब कथा कथाई है। भाई रतन सिंह भंगू कहिंदे मैं सतगुरां बारे दसिया ते जे उन्हां दी सारी वडियाई सारी जीवन कथा दसना करा। ग्रंथ बदन है अंत सो पाईया। ता गुरु अंगद साहिब दी वडियाई ऐसी महान है खालसा जी के ग्रंथ वधदा जावेगा, कलमा मुक जाणगियां, स्याही मुक जाएगी, पर गुरु अंगद साहिब दी वडियाई बयान नहीं कीती जा सकती, ओ बेअंत है। अंगद ते गुर भयो अमरदास। हुण गुरु अंगद साहिब जी तों बाद धन गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज नमाणिया दे माण, नताणिया दे ताण, नियोटिया दी ओट, निपत्तिया दी पत, नियासरिया दे आसरा, निथावियां दे थाव, ओ सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तखत ते सुभाए मन होए। कियो पातशाही दावा जास। जिन्हां ने खालसा जी पातशाही दा दावा कीता, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी महाराज ने पातशाही सिखाई सिखां नूं, क्योंकि जिस वक्त मौके दा बादशाह धन गुरु अमरदास जी दे दर्शनां वास्ते आउंदा है ते सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह पहला बचन करदे ने कि जाके उस दुनिया दे बादशाह नूं कहो कि पहला गुरु नानक दी पंगत विच बैठ के प्रशादा छके, जदों पंगत विच संगत विच बैठ के गुरु नानक दा लंगर छकेगा ताई उहदे नाल मिलाप होवेगा, नहीं ते मिलाप नहीं हो सकदा। खालसा जी, उस वक्त बादशाह ने पंगत विच बैठ करके प्रशादा छकिया ते सतगुरां ने दीदारे दिते, दर्शन दिते।
सो सतगुरु गुरु अमरदास जी तखत ते शुभायमान होए जिन्हां ने पातशाहियां दा दावा किया है। बाई सूबे जिन्ने निवाए जिन्हां नूं बाई सूबियां ने निव के आदर सत्कार दिता। पातशाही दावै जतन जताए और सतगुरु गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ऐसे महाबली ऐसे प्रतापी सतगुरु ने के सारे बादशाह दुनिया दे राजे महाराजे भी उन्हां दे चरणां ते आके झुकदे ने। ए गुरु दी जोत है। इसे करके जाप साहब विच पढ़दे त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत गुरु क्या सिखा। इस सतगुरु नू केवल तू नमस्कार नहीं कर रहा बल्कि तिन्हां लोकां दे राजे महाराजे ओ भी आ करके सतगुरु दे चरण परसदे ने ते सतगुरु दी बख्शिश दे पात्र बनदे ने। पुन रामदास पूरन मत ठई हुण धन गुरु अमरदास जी तो बाद गुरु नानक साहब दे निरंकारी तख्त दे उत्ते सोढ़ी सुल्तान गरीब निवाज सतगुरु धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया ओ दीन दयाल सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज तख्त ते शुभाए मन होए। तब ते फिर कर सोडियन रही हुण गुरु रामदास जी तो बाद गुरु नानक साहब महाराज जी दा निरंकारी तख्त गुर गद्दी सोढ़िया दे घर विच रही भाव सतगुरु गुरु रामदास जी सोढ़ी कुल दे विचों थालुकात रखदे। इसे करके बचन आउंदा सोढ़ी सृष्ट सकल तारन को अब गुरु रामदास को मिली बढ़ाई। खालसा जी केवल सोढ़ी नहीं तारे गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी महाराज ने ते कुल कायनात नूं तार दिता ते जेड़ा अज भी गुरु रामदास दे दरबार दे अंदर जाके झुक जांदा है जेड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दी धूड़ी नूं मस्तक नाल ला लैंदा है जेड़ा हरिमंदर साहब दी परिक्रमा दे विच जुड़ करके एक बार मुख तो धन धन रामदास गुर कह दिंदा है सच है उहदे जन्मां जन्मां दे दुख कट्टे जांदे ने। भाई साहब भाई नंद लाल साहब कहिंदे गुरु रामदास दे घर दी ऐसी महान वडियाई है कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब दी धूड़ी दा मुकाबला खालसा जी दुनिया दा सोना भी नहीं कर सकदा क्योंकि दुनिया दा सोना कोई शरीर ते पावे सोना जीवन नहीं बदलता सोना दुख नहीं कटदा सोना मत्थे दे लेख नहीं बदलता पर हरिमंदर साहब दे विच संगतां दे चरणां दी धूड़ी कोई मत्थे ना लावे गुरु रामदास दे घर दी धूड़ी जीवन बदलती है गुरु रामदास दे घर दी धूड़ी दुख कटदी है। धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे घर दी धूड़ी खालसा जी मत्थे दे लेख भी बदलती चेह गंगा मुकाबल बा अमृत सरश के हर शस्तो आम देह टाकर्श। भाई नंद लाल साहब कहंदे धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह दे दर दी वडियाई दा मुकाबला दुनिया दी कोई भी महंगी तो महंगी वस्तु कर नहीं सकती। सो ओ सतगुरु गुरु रामदास जी महाराज तखत ते शुभाए मन होए। फिर अर्जन गुर हर गोबिंद धन गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी तो बाद पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज धन धन गुरु अर्जन देव जी महाराज तखत ते शुभाए मन होए ते जिन्हां प्रथाए साहिबां दे मुबारक बचन ने अर्जन शब्द जहाज गुरु पद पंकज सब सृष्ट उधारे के धन गुरु अर्जन देव जी ने ओ जहाज भी तैयार कर दिता शब्द दा जिस शब्द दे जहाज विच ताकत है के जे कोई इस शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा लड़ पकड़ लवे बाणी पढ़न लग जावे कहंदे ए एक जां दो जां तीन नहीं बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब विच ताकत है ए सारी सृष्टि नूं ही पार लंघा सकदे ने खालसा जी। ओ सतगुरु दे लड़ धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लगाया ते धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे घर जन्मे प्रगट होए महाबली मीरी पीरी दे मालक सतगुरु धन धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज ओ सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी तो बाद तखत ते शुभाए मन होए। खड़ग चक्यो जिन मार पाए इंद जिन्हां ने खालसा जी गात्रे विच तेगां पाईयां ते तेगां हाथ दे विच पकड़ करके फिर जुल्म दा खात्मा किता। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज
जदों तकत ते शुभाए मन हुए गुरगद्दी दा तिलक लगा ते इतिहास इस गल दी हामी भरदा सतगुरु अपने शस्त्र मंगाए ऊच थल पर धूफ तखाए कहिंदे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने सब तो पहला निराला कर्म किया उच्चा थड़ा तैयार करवा करके अपने शस्त्र मंगवाए उस थड़े दे उत्ते शस्त्र सुभायमान करके कहिंदे फूलन की माला पहरावे सतगुरु सच्चे पातशाह ने शस्त्रां दे उत्ते फुल्लां दी वरखा कीती फुल्लां दी माला अंगीकार कराई ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने सिख संगत नूं हुकम कीता कि हुण गुरु दी खुशी लैण वास्ते चंगे चंगे शस्त्र लियाओ ते सतगुरु दी खुशी सच्चे पातशाह दीआं रहमतां तुहाडे घर विच वरतणगीआं खालसा जी अज भी जदों हजूर साहब जेड़ी संगत इतिहास तो वाकफ है अज भी कई गुरु के सिख हजूर साहब जदों जांदे ने ते तखत साहब वास्ते नवे तो नवा शस्त्र कीमती तो वद कीमती शस्त्र ओ तखत साहब वास्ते भेटा वजो लैके जांदे ने ते उन्हां दी भेटा सतगुरु दे तखत ते प्रवान करके फिर तखत साहब विखे सुभायमान कीती जांदी है सो सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने शास्त्र दे नाल नाल शस्त्रां दी भी प्रथा ए खालसा जी गुरमत विच चलाई ते सच्चे पातशाह ने संत सिपाही दा रूप बख्शिया उस धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने मीरी पीरी दीआं दो तेगां ओ अपने गात्रे दे विच पाईआं मीरी पीरी दो दिखाए और मीरी पीरी दीआं तेगां दा एक बहुत वड्डा महत्वपूर्ण सिख्या उन्हां विचों दित्ती खालसा जी के संसार दे विच सिख दे कोल मीरी भी होनी चाहीदी है ते संसार दे विच सिख दे कोल पीरी भी होनी चाहीदी है क्योंकि राज बिना नह धर्म चले हैं धर्म बिना सब दले मले हैं जे मीरी ना होवे ते सच है पीरी दी राखी नहीं हो सकती जे शास्त्र दे कोल शस्त्र ना होवे ते शास्त्र दी राखी नहीं हो सकती अज भी जदों गुरु ग्रंथ साहिब नूं नमस्कार करन आउने आ ते गुरु ग्रंथ साहिब ते सिख दे विचकार शस्त्रां दा आसन लगा हुंदा शस्त्र सुभायमान ने इस गल दी हामी भरदे ने के सिखा जे शास्त्र दी हस्ती नूं बुलंद करना ते गात्रे विच शस्त्र जरूर पाया करे साहिबां दे बचन ने जब हमरे दर्शन को आवो बन सुचेत तन शस्त्र सजावो जे मेरे दर्शना वास्ते आउना ते शस्त्र धारी होके आई ते जेड़ा शस्त्र तारी होके आवेगा ओदे उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी अपार बख्शिश होवे खालसा जी कलगी धर पातशाह दे मुबारक बचन ने के जेड़ा सिख गात्रे विच तेग पाके दरबार विच आवेगा कृपान पा करके आवेगा कहिंदे हो सकदा है जदों गात्रे विच कृपान पाके दरबार विच आवे ते कल्ला होवे पर जदों दरबार विच मत्था टेक के बाहर जावेगा कहिंदे बाहर कल्ला नहीं जावेगा गुरु गोबिंद सिंह भी उस सिख दे नाल ही चल पवेगा इन्ना वड्डा ऐसा महात्म खालसा जी शस्त्रां नूं दित्ता कि जेड़ा सिख घर दे विच शस्त्र रखदा है वह केवल शस्त्र नहीं रखदा गुरु गोबिंद सिंह दा पहरा लगवा लैंदा सो अपने घरां दे विच शस्त्रां दा आसन शस्त्रां दे नाल प्यार शस्त्रां नाल मुहब्बत जरूर करनी चाहीदी है इहो पाठ गुरु हरगोबिंद साहिब ने सिखाया मीरी बख्शी मीरी तो भाव सत्ता राजनीति पावर ते सच्चे पातशाह ने पीरी बख्शी पीरी तो भाव सत सच धर्म तेरे कोल सत्ता होवे पर सत्ता जुल्म वाली ना होवे सत्ता धर्म वाली होवे सत वाली होवे सच्चे पातशाह ने यह सिद्धांत गुरु क्या सिखा नूं बख्शिया है शाहजहां को हार सो दई कहंदे गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ऐसे महाबली ने जिन्ना सामने मौके दा बादशाह शाहजहां भी हार गया लल्ला कंबर मारे फौजदार ते महाराज दे जंग दे विच जड़ा लला बेग अपने आप नूं बड़ा वड्डा सूरमा खवाउंदा सी जदों जंग दे मैदान दे विच धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सामने होया सच्चे पातशाह जी ने लला बेग नूं भी हार दी धूड चटाई फिर पातशाह सो लई सवार ते कहंदे जिन्ने भी बादशाह सी ओह सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह दे प्रताप दे सामने झुकदे ही रहे
सच्चे पातशाह दे घर दे नाल जिन्ने मत्था लाया खालसा जी ओ झुकदा रहा क्योंकि धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने कृपा की सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे सामने अकाल पुरख वाहेगुरु दा नराला तख्त अकाल बुंगा श्री अकाल तख्त साहब दी स्थापना कर दी। गुरु रचियो बुंगा तख्त अकाल, अकाल दा तख्त अकाल तख्त साहब दी रचना की। कहिंदे ऐसा अकाली तख्त साजिया सच्चे पातशाह ने कि उस तख्त नूं मकाउण वाले मुकदे रहे ते मुक रहे ने, पर उस अकाल तख्त दी शोभा दिनों दिन वधदी जा रही है। खालसा जी, धन गुरु हरगोबिंद साहब ने कृपा की, गुरु क्या सिखा नूं संत सिपाही रूप बख्शिया। दोहरा फिर हर राय ओ हर कृष्ण पैत मैं गुरदेव। हुण धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी तो बाद धन धन सतगुरु गुरु हर राय साहब जी महाराज तखत ते सुभायमान होए ते गुरु हर राय साहब जी तो बाद धन गुरु हर कृष्ण साहब जी महाराज श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठै सब दुख जाए ओ गुरगद्दी ते सुभाए मन होए। इच्छा पूरा सिखन की सिख करे गुरसेव। और कहंदे ऐसे महान बली सतगुरु गुरु हर कृष्ण साहब ने जेडे सिखा दिया अरदासा एक खिण भी नहीं लौंदे पूरी करन दे विच, भाव देरी नहीं लौंदे, कोई प्यार नाल अरदास करके वेखे ते गुरु हर कृष्ण साहब सच्चे पातशाह नाल दी नाल झोली विच दात पा देंदे ने खालसा जी। ते कहंदे गुरु के सिख अज भी जा करके गुरु हर कृष्ण साहब महाराज दे चरण परसदे सच्चे पातशाह दे चरणा दी सेवा करदे ने। दास दे निजी अनुभव ने जदों भी गुरुद्वारा बंगला साहब गुरु हर कृष्ण साहब कृपा करके तरस करके कथा दी हाजरी देंदे ने खालसा जी, ते कथा तो बाद पता ही नहीं किन्ने के सज्जन आ करके किन्ने के शरीर आके मिलदे ने जिहड़े इह गल कहिंदे ने कि बड़ी वड्डा रोग लग गया सी, वैदा डाक्टरां ने जवाब दे दिता सी, पर गुरु हरकृष्ण साहब दे घर दे विच आके अरदास कीती ते महाराज जी ने कृपा करके सारा दुख ही कट दिता, रोग ही कट दिता। खालसा जी एक महापुरश मिले कहिंदे बीमार हो गए, महापुरखां नूं डॉक्टर ने जवाब दे दिता क्योंकि रिपोर्टां ठीक नहीं सन। कहिंदे मन विच आया कि चलो शाम है गुरु हरकृष्ण साहब दे चरणां च अरदास करिए, जाके अरदास कीती गुरु हरकृष्ण साहब दे चरणा च, उत्थे जा करके अमृत जल छकिया। कहिंदे शरीर नूं इस तरह महसूस होया कि पहलां नालों कुछ ठीक है। कहिंदे अरदास करके जल छके अगले दिन दोबारा डाक्टर दे कोल चैकअप कराउण लई गए खालसा जी, ते डाक्टर कहण लगा मैनूं इह दसो किस मुरशद दे किस पीर दे अस्थान ते जाके अरदास कीती है, दुआ कीती है। कहण लगे क्यों? कहण लगे सारियां रिपोर्टां ठीक कर दित्तियां, तुहाडे पीर ने तुहाडे मुरशद ने बीमारी दा रोग दा 1% भी नहीं छड्डिया, सारा रोग ही कट दिता है। तां दस्सिया कि असीं गुरु हरकृष्ण साहब दे चरणां विच जाके अरदास कीती सी, इस करके सच्चे पातशाह ने तरस करके दुख कट दिता। ते ओ कहिंदे डाक्टर मुसलमान सी, ओ कहिंदा मैनूं एक गल दसो, जदों तुहानूं पता है भी तुहाडे गुरु विच ताकत है, सर्व रोग का औखद नाम, गुरु सारियां बीमारियां कट सकदा है, जदों तुहानूं पता है भी तुहाडे गुरु विच ताकत है, फिर तुसीं भी पहलां क्यों नहीं गुरु दा बूहा खड़काउंदे? तुसीं भी गुरु दा बूहा उदों खड़काउंदे हो जदों सारे बूहे बंद हो जांदे, भाव असीं भी उदों सतगुरु दे चरणां विच आउंदे हां जदों डाक्टर जवाब दे जाण, जदों संसार दे रस्ते खत्म हो जाण। सो अरदास हमेशा सब तों पहलां सतगुरु दे चरणां विच करांगे ते खालसा जी महाराज कृपा करदे ने, कला वरतांदे ने, कोई रहमत लैण वाला होना चाहीदा, जेड़ा भी गुरु हरकृष्ण साहब दे चरण परसदा सच्चे पातशाह उहदी झोली विच दात जरूर पाउंदे ने। चौपाई तेक बहादुर फिर गुर पयो। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज तो बाद हुण तेग बहादुर पुण्य स्वरूपा सत स्वरूप अखंड अजय, तेग बहादुर सिमरियां घर नौ नित आवै ताए सब थाई होए सहाय। ओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज तखत ते सुभाए मन होए।
पर स्वार्थ हित जिन सिर दयो। जिन्हां ने पर स्वार्थ भाव के दूसरे दे भले वास्ते धन गुरु तेग बहादुर जी ने सिर धड़ दी बाजी ला करके दूसरियां दे धर्म दी पत रखी है। कल युग में बड साका कियो। जिन्हां ने कल युग दे अंदर खालसा जी धर्म दी परिभाषा दसी के धर्म दूसरे नूं नीवां नहीं विखाउंदा बल्कि असली धर्म ते सिखिया देंदा है कि तू दूसरे दे भले वास्ते अपना तन भी कुर्बान कर दे सजना ता जाके तू असली धर्मी बनेगा। धन गुरु तेग बहादुर जी ने कलयुग दे विच ओ साका वरताया। तेग बहादुर सी क्रिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। ओ साका वरता के वखाया जेड़ा सदियां तक संसार दे लोक चेते रखणगे। धर्म करम रख हिंदू आन लियो। जिन्हां ने सनातन मत दे कर्मां नूं रख लिया सनातन मत दी मर्यादा नूं रख लिया। सतगुरु दा ते सतगुरु दे घर दा किसे धर्म नाल वैर विरोध नहीं। बस पातशाह किसे ते धक्का नहीं सहंदे। जे धक्के नाल जनेऊ पाया जांदा ते गुरु नानक साहिब विरोध करदे आ ते जे धक्के नाल लवाया जांदा तां वी गुरु नानक दी जोत ने आ करके सिर धड़ दी बाजी लाई पर खालसा जी धक्का नहीं होण दित्ता। पुन गोबिंद सिंह भए कल तारी। हुण धन गुरु तेग बहादुर जी दे लखते जिगर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर पातशाह ओ तखत ते सुभाए मन होए। दे पातशाही की ओ पंथ पारी। जिन्हां ने खालसियां नूं सिखां नूं पातशाहियां दे करके इन गरीब सिखण को दऊं पातशाही याद करे हमरी गुरियाई। जिन्हां ने पातशाही दे करके पंथ नूं बड़ा भारी कर दिता। सब तो नवेकली कौम सब तो नवेकला पंथ है खालसा पंथ। पर यह भी वेखण विच आया कि जिनी जल्दी खालसे पंथ ने तरक्की करके पूरे विश्व भर दे विच गुरु के निशान चलाए ने यह होर किसे दे हिस्से नहीं आया। यह किदी कृपा किदी रहमत है किसे बंदे दी नहीं। यह रहमत गुरु कलगियां वाले दी गुरु गोबिंद सिंह दी है। जिम दीपक ते दीपक जागा। कहंदे जिस तरह एक दीवा जगदा होवे ते एक जागदे हुए दीवे तो दूसरा दीवा जगाया जांदा है। त्यों गुरते गुरु होत पई आगा। बस इसे तरह एक गुरु की जोत तो दूसरी गुरु की जोत प्रगट हो रही है। पर जोत ओही है रूप बदल सकदा है। भाव के किसे ने तन दे उत्ते वस्त्र बदले होण तन ओही है पर वस्त्र बदले गए ने। जोत ओही दरगाही है बस महला बदलिया जा रहा है। दोहरा श्री सतगुरु जो दस पे दे उनके नाम सुनाए। भाई रतन सिंह पंगू कहंदे मैं दसे पातशाहियां दे नाम ब्रिटिश सरकार दे मरी कप्तान नू दस दिते। तिम ही बूटे शाह ते लई अपनी किताब लिखवाए। हुण कहंदे जदों मरी कप्तान ने वेख्या के जो बूटे शाह ने लिखिया सी ओ वखरा सी ओदे विच सच नहीं सी जापदा पर जो भाई रतन सिंह पंगू जी ने दसिया ओ बिलकुल सच है। इस करके ओ भाई रतन सिंह पंगू जी दीआं बातां ते साखियां दे उत्ते भरोसा जताउंदा है। दोहरा तब माली ने फिर कहियो या पी भेत बताए। हुण मरी कप्तान भाई रतन सिंह पंगू नूं कहंदा मैनूं इक होर गल दसनी करो। पातशाह और गुरन को परयो बैर जित पाए। किस तरह दिल्ली दे बादशाह दा ते गुरु पातशाहियां दा वैर विरोध वधिया। क्योंकि बाबे के बाबर के दउ आप करे परमेश्वर सउ। एक पासे बाबे के आ एक पासे बाबर के आ। बाबर के बाबे क्या ते चढ़ के आउंदे आ ते बाबर क्या दी हार हुंदी है ते बाबे क्या दी सदा जित हुंदी है। खालसा जी जे इत्थे शाहजहां चढ़ के आया ओदी हार हुई। जे इस तख्त दे उत्ते बाबे क्या दे उत्ते बाबर क्या दा औरंगा चढ़ के आया ओदी हार हुई। जे वजीद खां चढ़ के आया ओदी हार हुई। जे अहमद शाह अब्दाली चढ़ के आया ओदी हार हुई। तैमूर शाह चढ़ के आया ओदी हार हुई। पर बाबे क्या दी सदा जित हो रही है। ते भाई रतन सिंह पंगू जी नूं पुछदा है कि किस तरह गुरु दा गुरु पातशाहियां दा ते बादशाहां दा वैर विरोध वधिया मैनूं उस बारे दसो। चौपाई
तब मैं उसको पेत बतायो। भाई रतन सिंह पंगू जी ने फिर मरी कप्तान नू दसिया गुरुआन सो जिम उन्ना कमायो के किस तरह बादशाह ने गुरु पातशाहियां दे उत्ते जुल्म टाया है। कदे राजी कदे गुसे रहावे इन्ना बादशाहां दा पता नहीं सी लगदा कदे गुरु पातशाहियां नाल गुरु नानक दे घर नाल राजी हो जांदे सी ते कदे गुरु नानक दे घर दे उत्ते वादी करन लग जांदे सी। भाव सरकारां दा मंत्रियां दा राजियां दा पता नहीं लगदा किधर नूं दिमाग घूम जांदा है। सोटल जात नहीं सिर आवे पर इधर भी गुरु की जोत है ओ भावे नहीं टलदे बार बार जुल्म करदे आ पर गुरु की जोत भी कदे बुझदी नहीं सदे प्रकाशमान रहिंदी है। राज नूं रंगे सिर जब आयो हुण भाई रतन सिंह पंगू दसदे के जदों दिल्ली दे तख्त दे उत्ते औरंगजेब बादशाह बैठा औरंगजेब दा राज आया बड़ो पाप उसकै दिल पायो तां बड़ा जुल्मी बादशाह सी बड़ा उन्ने पाप दुनिया दे उत्ते कीता बड़ा ही जुल्म टाया। इतनो रंग उत तेग बहादुर हुण एक पासे औरंगा ते एक पासे गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह एक पासे दुनिया दा झूठा बादशाह दुनिया दे तख्त ते बैठा एक पासे लोक परलोक दा सच्चा पातशाह ओ दरगाही तख्त ते उत्ते बैठा दोवां दी टक्कर होई। भए जगत मैं दो उजागर हुण कहंदे औरंगा भी उजागर है औरंगे बारे भी दुनिया जानदी है कि दिल्ली दा बादशाह है ते एक पासे गुरु तेग बहादुर साहब नूं भी सारा संसार झुक के नमस्कारां करदा कि ए दरगाही निरंकारी पातशाह है। दोहरा तो नुरंगे प्रण कियो तख्त बहान सो काल कहंदे जदो औरंगा औरंगजेब तख्त दे उत्ते बैठा तख्त ते बैठ दे सार औरंगजेब ने कसम खा ली तुर्क करो सब हिंदुआन सुबह बायन पाला उन्हें ए कसम खादी के मैं सारे हिंदुआ नू मुसलमान बना दिया अपने तलवार दे जोर दे नाल जुलम करके मैं जबरी धर्म तब्दील करांगा। चौपाई तेग बहादुर बड़ बल तारी पर औरंगा नहीं जानदा कि एक पासे गुरु तेग बहादुर साहब पूर्ण महापुरुष बल तारी महाबली सतगुरु तख्त ते सुभाए मान ने प्रगट पई गल दुनिया सारी ए सारे संसार ते प्रगट सी के धन गुरु तेग बहादुर जी दी बांह फड़ लैन फिर बांह छड़ दे नहीं बाहे जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै बाहे ना छोड़ी है ए गुरु तेग बहादुर दे घर दा सिद्धांत है कि जिदी बांह पकड़ लो सिर धड़ दी बाजी ला दो पर किसे दी बांह नहीं छड़ी दी। जाप आए पर को दुख जिदे उत्ते भी दुख होंदा संसार दे तख्ते ते जीवन है खालसा जी जीवन दे विच सारियां नू दुख मिलदा जदों भी जीवन दे विच किसे नू दुख आउंदा है परै चरण सो होवै सुख ता ओ गुरु तेग बहादुर जी दे जदों चरण परसदा है उनू सुख मिल जांदे ने क्योंकि आपां रोजाना चंडी दी वार दे विचों जो अरदास तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई होए सहाय कलगीधर पातशाह जी ने शब्द वरत्या घर नौ निद आवै ताए ताए शब्द क्यों वरत्या इहदे विच भी बड़ा वड्डा रहस्य है। ताए शब्द दा भाव है धावा बोल देना महाराज ने आए शब्द नहीं वरत्या क्योंकि ताए शब्द दा मतलब है धावा बोलना ते जेड़े वैरी ने जां जिस बंदे ने धावा बोलिया होवे उन्नू रोकना नामुमकिन हुंदा है पर आए दा मतलब हुंदा है आउणा आउण वाला सज्जन ते जिहड़ा ओदां ही आउंदा होवे उन्नू रोकिया जा सकदा है घर दा बूहा बंद करके भी रोकिया जा सकदा है जिहड़ा आया होवे पर जिहड़ा धावा बोल के आया उन्नू घर दा बूहा बंद भी कर दिओ तां भी रोक नहीं सकदे। धन गुरु गोबिंद सिंह कहंदे तू एक वार रसना तो धन गुरु तेग बहादुर कह के वेख दुनिया दे सुख संसार दे सुख गुरु नानक दियां रहमतां तेरे घर दे विच धावा बोल के आ जाणगियां दुनिया जिन्ना मर्जी जोर लावे तेनू दुखी करन वास्ते पर जे तू रसना तो धन गुरु तेग बहादुर कह दिता तेनू दुनिया ते कोई दुखी नहीं कर सकेगा। ओ सतगुरु गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी दे
जदों चरण परसदे ने महाराज दे चरणा विच जाके नमस्कार करदे ते सुखां दीआं दातां झोली विच पैंदीआं ने। दुनिया मतलब सुख की सारी, कहिंदे इह वी सच है वी संसार दे लोक संसार दे विच सुख मैं बो संगी भए दुख मैं संग ना कोई। संसार ते सुखां दे वास्ते ही खालसा जी, जे धर्म दे विच वी आपां चलदे आं ते सुखां वास्ते चलदे आं, जे भजन बंदगी भी करदे आं ते सुखां दी प्राप्ति वास्ते करदे आं। ते भाई रतन सिंह पंगू कहिंदे सुखां दे लाभ वास्ते ही गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां विच आके सारी लुकाई आ करके झुकदी है। आवै शरणी जे पै पारी, सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी दे शरण दे विच आंदे ने क्योंकि भय है मन दे विच, डर है कि किते जीवन दे विच दुख ना आ जाण। लगत चरण होए तुरत सुखारा, कहिंदे जिवें गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां विच मत्था टेकदे ने सारे दुख दूर हो जांदे ते जीवन दे विच सुखां दीआं दातां मिल जांदीआं। अज भी जो तोई है भावना नाल प्यार नाल गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक के वेखियो। मत्था टेकण वेले काली ना करिया करो, मत्था टेक के गुरु दे चरणां विच कुछ पल रख के अरदास करिया करो। जा तू मेरे वल है ता क्या मोहिशंदा, तुद सब किश मैनो सौंपिया जा तेरा बंदा। जे इस तरह मत्था प्यार नाल भावना नाल टेकांगे खुद अनुभव करांगे कि गुरु दीआं रहमतां झोली विच पवा के लजावांगे। सो जेड़ा भी चरण परसदा शरणी आउंदा है कहिंदे देरी नहीं लगदी सुखां दीआं दातां झोली विच पैंदीआं ने। प्रगट भई या गल जग सारा, इह सारे संसार दे तख्ते ते गल प्रगट हो गई। जिन्ने सुख लैणे ने उह गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां विच जाके नमस्कारां करे। दोहरा चली कहावत सब जगह यह सचो अवतार, कहिंदे लोकां दे विच इह कहावत प्रचलित हो गई कि संसार दे तख्ते ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे अवतार ने, पूर्ण पुरश ने, सभना नूं सुखां दीआं दातां वंडदे ने। शरणी आवै जो उसै सौ उतरै पार, जेड़ा गुरु तेग बहादुर जी दी शरणी आउंदा महाराज भव सागर पार लंघाउंदे। वेखो किन्ना के ताकत होवेगी धन गुरु तेग बहादुर जी दे नाम दे विच के भाई मक्खन शाह लबाणा दरिया दे विच डुबदे बेड़े दे विच बैठ के अरदास करदा है। ते धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज दरिया दे विच डुबदे हुए बेड़े नूं भी पार लंघाउंदे ने, पर उहदी भी भावना सी कि बेड़ा डुब रहा होवे ते बंदा कहिंदा आवाज लगावां लोकां नूं कोई मदद वास्ते आवे, हाथ पैर मारां किते तैर के पार हो जावां। पर मक्खन शाह लबाणे अंदर किन्ना के भरोसा होवेगा, उहने वेख्या हुण दुनिया नूं आवाज नहीं लाउणी चाहीदी, आवाज गुरु नानक नूं लाउणी चाहीदी है। हुण हाथ पैर नहीं मारने चाहीदे बल्कि दोवें हथ जोड़ के गुरु के चरणां विच अरदास करनी चाहीदी है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ते भव सागर पार लंघा देंदे ने, दरिया किड्डी के चीज़ है। खालसा जी अरदास कीती ते सच्चे पातशाह ने डुबदा बेड़ा भी बन्ने ला दिता। जेड़ा भी सतगुरु की शरणी आउंदा महाराज पार लंघाउंदे ने। चौपाई तौ लो तुरकन पायो जोर, हुण इधरों सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी ते रहमतां वरतौंदे पर उधरों तुरकां दा भी जोर है, मुगल हकूमत दा भी जोर है, ओ जुल्म करन ते तुली हुई है। मुसलमान करै हिंदुआं टोर, ओ हिंदुआं नूं जबरी धर्म तब्दील करन वास्ते मजबूर करदे ने, जुल्म करदे ने कि ओ अपना धर्म छड के इस्लामे मजहब नूं कबूल कर लैन, दीने मजहब विच आ जाण। तो हिंदुआन को चिंता परी, तां उदों फिर उस समय हिंदुआं नूं सनातन मत दे पैरोकारां नूं चिंता बन गई। मसलत इहो तब हिंदुआन करी, क्योंकि खालसा जी कहिंदे इस तरह हो गया कि जिवें किसी दे घर दे जी चले जाण ते दुख हुंदा है। जदों उन्हां ते जुल्म ढाया जा रहा सी, धर्म तब्दील करवाया जा रहा सी, कहिंदे इन्ना ही दुख उस वक्त हिंदुआं नूं लगदा सी कि जबरी साडा धर्म तब्दील करवाया जा रहा, तां फिर आपस दे विच बैठ करके बचण दे रस्ते लभदे ने। गल लगाईए ब्रह्मन सीस, कहिंदे बचण दा रस्ता की लभिया। सनातन मत दे पैरोकारां ने सोचिया भी क्यों ना अपने गल दी बड़ा ब्राह्मणा दे सिर ते पा दी,
क्योंकि असी सारे ब्राह्मणा नूं मनदे आ, मंदरां दे विच ब्राह्मण लोक कथा कहानियां करदे ने, ते आपां बादशाह नूं कहिंदे आ वी जे ब्राह्मण मुसलमान बन जाण ते असी वी अपने आप मुसलमान बन जावांगे। कहिंदे अपने गल दी बला टाल के ब्राह्मणा दे गल पाउण दी विचार कर लई। जो उनकी कच मनै जगदीस, कहिंदे वी उहनां दी की पता जदों उहनां दे उत्ते मुसीबत आवे ਉਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਮ ਦੀ ਬਲਾ ਹੈ ਇਹ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਹਿੰਦੂ ਗਰੀਬਨ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੁਰਕੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਗਏ, ਔਰੰਗੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਗਰੀਬੜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਮ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਕੇ ਅਧੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ। ਹਮ ਭੀ ਹੋਵੇ ਤਿਸੈ ਦੀਨ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਹਿੰਦੂਆਂ ਯੋ ਛਲ ਕੀਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣ ਲੀਨੀ ਗੈਲ ਛਡਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਬਲਾ ਟਾਲ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗੱਲ ਪਈ ਦੇਈ ਲਵਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾ ਪਈ, ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੁਖ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਉਨ ਲੀਨੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੁਲਾਏ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ, ਫੌਜਾਂ ਭੇਜ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹੋ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਲਹੋ ਮੋਹਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਰਤ ਤੁਰਕਨ ਗੈਲ ਦਇਓ ਲਗਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਦੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ ਤਜ ਜਾਓ ਪਾਰ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਬਲਕਿ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਹੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਝੀਲ ਸੀ ਉਸ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੜਪਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੇ ਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਵੇਕ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ,
हे संत के सदा संग निधाराया धार। हे ठाकुर हों दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए। नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। कथा निता प्रत होत है सुनो सो सिंह सुजान। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण। नानक गुरु गोबिंद सिंह जी सदा करें कल्याण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।